स्वागत है आपका न्यूज नाइन भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मधुपुर का चुनावी दौरा रद्द कर दिया है। राजधानी रांची लौट रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए चुनावी दौरा किया है रद्द। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बन्ना गुप्ता ने लगाई है मदद की गुहार। निजी अस्पतालों में कोविड को लेकर आरक्षित बेडों की मॉनिटरिंग सिविल सर्जन और डीसी करेंगे। वैक्सीनेशन और कुछ दवाइयों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की बात। कोविड और आइसोलेशन वार्ड के बढ़ाने पर हो रहा विचार। बड़े प्राइवेट अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग टेक ओवर करने जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, मधुपुर में चुनावी दौरे पर थे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, बीच में ही अपना दौरा रद्द कर वापस रांची लौट रहे हैं। जानता हूं मैं, इसीलिए मैं ये चुनाव हर नेता के लिए चुनाव एक अहम मुद्दा होता है और होना भी चाहिए, लेकिन चुनाव राजनीति से भी बड़ा यदि कुछ होता है तो वो मानवता होती है, वो जीवन मूल्य है, राष्ट्रवाद है, राष्ट्र राज्य की नीति है, राज्य के लिए जनता के हित हैं। तो मुझे लगता है कि ये चुनावी समर से मुझे जो है वापस राजधानी जाकर सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए मैं अभी यहाँ से थोड़ी देर में यहाँ से राजधानी के लिए कुछ करूँगा। इसीलिए मैं ये चुनाव हर नेता के लिए चुनाव एक अहम मुद्दा होता है और होना भी चाहिए, लेकिन चुनाव राजनीति से भी बड़ा यदि कुछ होता है तो वो मानवता होती है, वो जीवन मूल्य हैं, राष्ट्रवाद है, राष्ट्र राज्य की नीति है, राज्य के लिए जनता के हित हैं। तो मुझे लगता है कि ये चुनावी समर से मुझे जो है वापस राजधानी जाकर सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए मैं अभी यहाँ से थोड़ी देर में यहाँ से राजधानी के लिए कुछ करूँगा। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता